तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने में अब केवल एक दिन का समय बचा है और एक समय में बीसीसीआई ने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया था, पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। लेकिन आईपीएल से अब एक दिन पहले बीसीसीआई ने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर पूरी तरीके से फैसले को बदल दिया है और इस साल अब हमें आईपीएल 2020 के सीजन के लिए ओपनिंग सेरेमनी होते हुए दिखेगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई ने किन कारणों के चलते हुए अपने डिसीजन को बदला है और किस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी इस साल में होती हुई दिखेगी। आईपीएल 2020 के सीजन की ओपनिंग सेरेमनी कितनी बजे और कितनी तारीख को होगी और इसका लाइव टेलीकास्ट हम कैसे देख सकते हैं, इन सभी सवालों को लेकर आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर बीसीसीआई ने किन कारणों के चलते हुए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया था और अब किन कारणों के चलते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर अब अप्रूवल दे दिया और कितनी तारीख को कितनी बजे हमें अब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। दरअसल पहले बात करते आखिर बीसीसीआई ने क्यों आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया था। दरअसल दुबई और यूएई में फिलहाल कोरोना के केसेस पिछले 4-5 दिनों में दोबारा से बढ़ने लगे हैं। इसी वजह से बीसीसीआई लोगों की गैदरिंग नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से बीसीसीआई और दुबई सरकार ने मिलकर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल करने का प्लान किया था और एट द एंड बीसीसीआई ने यह डिसीजन बनाया था कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी इस साल भी नहीं की जाए, जैसे कि 2019 के सीजन में भी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं करी गई थी और अब इस साल भी ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल होने वाली थी। पर आज एक और बड़ा अपडेट आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर निकल कर आया है। दरअसल अब बीसीसीआई कंफर्म्ड कर चुकी है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी पर उस लेवल पर नहीं होगी, उस तरीके से आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बीसीसीआई यहां पर 500 से 1000 व्यक्तियों की गैदरिंग नहीं करेगी, केवल सभी टीमों के कप्तान होंगे, इसके साथ ही टीमों के कोचिंग स्टाफ के व्यक्ति होंगे और केवल एक बॉल को सभी कप्तानों द्वारा साइन किया जाएगा। उस बॉल को भी डिजिटली साइन किया जाएगा, सभी लोग एक जगह गैदर नहीं होंगे, एक जगह सभी लोगों की गैदरिंग नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ और तरीके से आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को करने की प्लानिंग में फिलहाल बीसीसीआई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी तरीके से कंफर्म्ड लग रहा है कि केवल इसी तरीके से आईपीएल 2020 के सीजन की ओपनिंग सेरेमनी होगी। सभी कप्तान केवल बॉल को साइन करेंगे और आईपीएल 2020 के सीजन का उसी समय से शुभारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कब होगा और किस तरीके से हम ये टीवी में देख पाएंगे। दरअसल आईपीएल शुरू होने से लगभग 2 घंटे पहले यानी यहाँ पर 19 सितंबर को शाम 5:30 बजे ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, पूरी तरीके से ये प्रोसीजर होगा। इसमें सभी कप्तान मिलकर डिजिटली आईपीएल की बॉल को साइन करेंगे, आईपीएल की ट्रॉफी वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा और ये यहाँ पर 19 सितंबर को शाम 5:30 बजे टीवी पर टेलीकास्ट होगा। आप स्टार स्पोर्ट्स पर या फिर हॉटस्टार पर इसकी टेलीकास्टिंग देख सकते हो। तो अब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर बीसीसीआई ने ये फाइनल डिसीजन लिया है। 19 सितंबर को शाम 5:30 बजे आईपीएल की छोटी ओपनिंग सेरेमनी होगी और आईपीएल की ट्रॉफी रिवील होगी। आप स्टार स्पोर्ट्स पर ये लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। आप कमेंट करके बताइए आप स्टार स्पोर्ट्स पर ये लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हो या फिर नहीं। इसके साथ ही 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होने पर आपके अकॉर्डिंग आईपीएल 2020 के सीजन के दौरान कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।